खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर सेवन सी, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर सनसी न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। जौनसार बवार में अनोखी और अद्भुत परंपरा के साथ मनाया जाता है दीपावली का पर्व। खबर सनसी की टीम वहां पहुंच के उस पर्व को पूरी तरीके से कवरेज कर आपको दिखाएगी यह खास खबर। बता दें कि संपूर्ण देश भर में दीपावली बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी के परिपेक्ष में उत्तराखंड का जौनसार बावर पर्वतीय क्षेत्र, जहां पर दीपावली दो बार मनाई जाती है, जिन स्थानों पर चालदा महासु महाराज की डोली विराजमान है। आइए दिखाते हैं उत्तराखंड से तरसेब सिंह तोमर की यह खास रिपोर्ट। संपूर्ण देश भर में दीपावली बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। इसकी परिपेक्ष में उत्तराखंड का जौनसार बावर पर्वतीय क्षेत्र, जहां पर दीपावली दो बार मनाई जाती है, जिन स्थानों पर चालदा महासु महाराज की डोली विराजमान है, उन स्थानों सहित हनोल कांडोई भरम के गांव कोटी कनासर मशक पिंगुआ रजानु गोरछा हरटाड़ एवं बावर के अधिकांश क्षेत्रों में देश और दुनिया के साथ जौनसार बावर में दीपावली मनाई जा रही है। जबकि जौनसार बावर के अधिकांश गांव में ये दीपावली ठीक एक माह पश्चात बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। इसके पीछे अनेक पौराणिक मान्यता हैं, परंतु वर्तमान समय में नकदी फसल खेतों में अधिक होने के कारण ये दीपावली केवल सांकेतिक रूप में मनाई जाती है। जबकि ठीक एक माह के बाद 5 दिनों तक दीपोत्सव के कार्यक्रम अपने पारंपरिक रीति रिवाज, वेशभूषा एवं पहनावे के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं और परस्पर एक दूसरे के घर आना जाना करते हैं। जौनसार बावर में त्योहारों को मनाने की एक अनोखी और अद्भुत परंपरा है, जहां पर लोग एक दूसरे को सहकारिता एवं आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाते हैं। इस मौके पर जौनसार बावर के समालटा गांव में वर्तमान समय में चालदा महासु महाराज की डोली विराजित है, इसलिए समालटा के आसपास के गांव में भी दीपावली धूमधाम से मनाई गई एवं देव मंदिर में पूजा अर्चना की। लोगों ने मंदिर में मन्नत मांगी और सभी लोगों ने दीपावली की आपस में शुभकामनाएं दी। विधानसभा के पूर्व सूचना अधिकारी एवं लोक पंचायत के सदस्य भारत चौहान का कहना है कि भारतवर्ष आर्थिक रूप से समृद्धशाली देश रहा है। यहाँ पर वर्ष में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, जबकि अन्य देशों में और धार्मिक मान्यताओं में ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि जौनसार बावर के जिन स्थानों पर महासु चालदा महाराज की डोली विराजित होती है, वहां पर दीपावली मनाने की परंपरा है। खबर 7C के लिए तरसेब सिंह तोमर की रिपोर्ट। संपूर्ण देश भर में दीपावली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और जौनसार बावर में भी अधिकांश स्थानों पर ये दीपावली मनाई जा रही है। मैं यहाँ पर यह स्पष्ट कर दूँ कि जौनसार बावर में दो दीपावली मनाई जाती है, एक ठीक एक महीने के पश्चात और एक दीपावली जब संपूर्ण देश में दीपावली होती है तब जौनसार बावर के लोग भी दीपावली मनाते हैं। इसमें विशेष करके जिन स्थानों पर, जो हमारे चालदा माशु है, तो जहाँ चालदा माशु विराजित होते हैं उन स्थानों पर और हनोल और बावर का जो अधिकांश का ऊपर वाला क्षेत्र है, वहाँ पर वर्तमान समय में जहाँ देश और दुनिया के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है, वहीं जौनसार बावर में भी यह पर्व मनाया जा रहा है। मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि जैसे रक्षाबंधन है, जैसे होली का पर्व है, तो ये सब पर्व पहले जौनसार बावर में बहुत सीमित मात्रा में मनाए जाते थे और वर्तमान समय में ये पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और दीपावली ठीक एक महीने के पश्चात भी जिन स्थानों पर अभी ये दीपावली नहीं मनाई जाएगी, उन स्थानों पर ठीक एक महीने बाद दीपावली का पर वहाँ के पारंपरिक रीति रिवाज, पारंपरिक वेशभूषा और जो त्यौहारों की एक अनोखी और अनूठी परंपरा जौनसार बावर में है, उस रूप में मनाया जाएगा ये पर्व भी। मेरा यहाँ ये भी कहना है कि पर्व को अधिक पर्व मनाने की परंपरा ये हिंदू समाज में थी या भारतीय संस्कृति में थी, जबकि हम अगर विदेशों की बात करेंगे या अन्य धर्मों की बात करेंगे तो वहाँ पर वर्ष भर में एक या दो त्यौहार होते हैं
जबकि हमारे यहाँ हर संक्रांति पे त्यौहार है, हर पर्व पर त्यौहार है, तो कहीं ना कहीं ये भारत की, और अगर मैं जॉन सालमावर को भी उसमें जोड़ूं तो अतिशोक्ति नहीं होगी, ये समृद्धता का भी प्रतीक है। और ये त्यौहार संपूर्ण देश भर के साथ साथ जॉन सालमावर के अधिकांश एरिए में मनाया जा रहा है। मैं सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।